भोपाल की जनता को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। यह रैली राजधानी भोपाल के अटल पथ से शुरू होकर शाहपुरा लेक पर संपन्न हुई। तीसरे चरण में भोपाल में 7 मई को मतदान होना है। चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। इसी के तहत भारतीय स्टेट बैंक ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली। रैली में शामिल मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि मतदाताओं को जागृत करने के लिए अनेक कैंपेन चलाए जा रहे हैं, उसी के तहत आज यह रैली निकाली गई है। स्टेट बैंक के जनरल मैनेजर अनिल श्रीवास्तव ने बताया कि मतदाताओं को जागरूक करने के लिए यह रैली निकाली गई है। इसमें सभी स्टेट बैंक के पदाधिकारियों ने भाग लिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से कार रैली का आयोजन किया है। उसमें आप देख रहे हैं कि लगभग 100 से भी अधिक गाड़ियां हैं जो पूरे भोपाल में, पुराना भोपाल, नया भोपाल, 10 से भी ज़्यादा किलोमीटर चल कर और लोगों को मतदान के प्रति जागरूक कर रहे हैं। उनको ये मैसेज दे रहे हैं कि 7 तारीख को भोपाल में वोटिंग है और लोग 7 तारीख को वोट जरूर करें। हमारा मुख्य उद्देश्य स्टेट बैंक का कि वोटर अवेयरनेस लोगों के बीच में लाया जाए और हमारे यहाँ ये पहला भोपाल का पहला ऐसा इवेंट है जिसमें कि हमने मुख्य चुनाव अधिकारी श्री अनुपम राजन की परमिशन और कलेक्टर भोपाल की परमिशन से करीब 60-70 हमारे स्टाफ की गाड़ियाँ उनके थ्रू एक वाहन रैली निकाली है जिसका उद्देश्य मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।